तो मैकेनिक भाई, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। और मेरे पास आज जो गाड़ी आई है, ये खुला हुआ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। गाड़ी है CVZ एक्सट्रीम, और इसमें जो इग्निशन लॉक आता है, ये सेंसर वाला आता है। जैसे हमारा मैस्ट्रो एज में आता है, मैस्ट्रो का मैंने वीडियो बनाया पहले, कैसे सेंसर बाईपास किया जाता है। और इसको भी जो है CVZ एक्सट्रीम का लॉक लेने जाएंगे तो 5,000 रुपये का लॉक है, तो इसको कैसे बाईपास करना है ये आज पूरा दिखाएंगे। ये हमारा इग्निशन लॉक असेंबली है, चाबी गुम चुका है इसका। और इसमें CDI भी जो आता है, सेम मेस्टो की तरह समझ सकते हैं। इसमें की पेयरिंग की ज़रूरत पड़ता है, तो इसमें जो है दो कपलर वाला है। और इसमें ये CDI है ग्लैमर का, ये पूरा नॉर्मल बनाना है हमको। पूरा वायरिंग एक एक बताएंगे कैसे आ जाता है, गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। अभी गाड़ी ऑन है लेकिन करंट नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं। सेल्फ मारा, देख सकते हैं करंट है नहीं, स्पार्क ज़रा भी। तो इसका रीज़न है कि सेंसर वाली गाड़ी है। और ये हमारा CDI लगा के भी दिखा देते हैं, करंट नहीं आएगा लगाइए। सब ठीक है, करंट नहीं आ रहा। इसका रीज़न यही है कि ये सेंसर वाली गाड़ी है, डायरेक्ट करने से भी करंट नहीं आएगा। मैकेनिक भाई, ये हमारा गाड़ी हो चुका है स्टार्ट, ये देख सकते हैं, आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और यहाँ से गाड़ी डायरेक्ट है, और इसका जो है ये इग्निशन लॉक, जिसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। और बात करेंगे तो ये हमारा CDI चेंज है। ये CDI आपको जो है ग्लैमर और HF डिलक्स, जैसा कि मैंने बताया, वायरिंग डायग्राम, और मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा वायरिंग डायग्राम, उससे आप समझ सकते हैं कैसे वायरिंग करना है। और ये मेरा ओल्ड CDI जो इसमें लगा हुआ था, जिसमें की पेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हो गया डायरेक्ट। और मैं करंट भी दिखा दूँ तो करंट भी भरपूर होगा गाड़ी में। ये मैं गाड़ी बंद कर दूँगा और ये वापस से जॉइंट करता हूँ वायर जॉइंट कर। ये हमारा मीटर में लाइट वेट भी सब बराबर आएगा, और करंट दिखा दे चलूँ मैं तो करंट में भी कोई कमी नहीं रहेगा। सेल्फ मारिए, तो देख सकते हैं। एक मिनट मारिए डाउन हो गया। सेल्फ हेल्प भी सब बराबर चलेगा, और करंट देख सकते परफेक्ट करंट है। और मैं इसके वायरिंग के बारे में बताते चलूं, तो जो दो कपलर होते हैं हमारे ये CDI का, दोनों हटा के इसको एक में वायरिंग जॉइंट करना पड़ता है। ये आप क्लियरली देख लो, ऐसे वायरिंग डायग्राम में डाल दूंगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो ये वायरिंग एक अर्थिंग है, और इस साइड ये एक पिकअप कॉइल का है, जो हमारा होता है ब्लू और पीला पट्टी, देख सकते हैं। और नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ब्लू और पीला पट्टी जो हमारा आता है CKP सेंसर, जिसको पिकअप कॉइल बोलते हैं। उसके बाद DC CDI को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए। तो ये 12 वोल्ट का हमारा वायर है जो इग्निशन ऑन करने पे आता है। मैं प्रूफ दिखा दूँ मल्टीमीटर से, तो ये मेरा मल्टीमीटर है, और 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। ये जो है इसमें 12 वोल्ट रेड प्लस ब्लैक पट्टी इग्निशन ऑन करने का, इग्निशन ऑन है, दिखा दीजिए। मीटर हमारा लाइट वेट सब चालू है, तो ये दिखाइए जल्दी से। एक वायर हमारा चला गया इसमें, और दूसरा जो है अर्थिंग देना है, कैसे ऐसे अर्थिंग पकड़ नहीं रहा है, तो हम इसमें ही अर्थिंग चेक कर सकते हैं ताकि पता चलेगा क्लियरली है कि नहीं। देखिए 12 वोल्ट का जो करंट होता है 10.14 आ रहा है,
इग्निशन के जो बाद आता है तो कुछ 1-2% कम जाता है, बैटरी से 12 वोल्ट जाता है, फिर भी बैटरी थोड़ा डाउन है। तो एक बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ये हमारा हो गया पूरा गाड़ी स्टार्ट। और कुछ भी नहीं समझ में आए तो हमें कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ये नॉर्मल सिस्टम करने के लिए। हमारा आ गया इग्निशन में लाइट आ गया, और वायरिंग प्रॉब्लम है। एक बार और स्टार्ट करके फाइनल आपको दिखा देते हैं। ये CDI आप समझ गए, HF डिलक्स हो, पैशन प्रो हो या ग्लैमर हो, ये एक साइड तो रहता है हमारा कार्बोरेटर में जो लगा हुआ सेंसर उसका, और ये साइड पूरा फंक्शन स्टार्टिंग का। लगा CDI लगा के एक बार और स्टार्ट करके दिखा देते हैं। ये लग गया, वायर निकला प्लग। हो गया फाइनली स्टार्ट। जो भी हमारे भाई देख रहे हैं देख सकते हैं, सेंसर को मैंने बाईपास कर दिया, अब झंझट नहीं है ये सब का। नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करें।